स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आप सभी आयुर्वेद फार्मासिस्ट की जो क्लासेस हैं रेगुलर चल रही हैं हमारे ऐप पे, आयुर्भास्कर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं, और यूट्यूब पे भी कुछ टॉपिक जो हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं आपको यहाँ पे क्लियर कराए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम फिर से आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्य वृत्त विषय से कुछ टॉपिक आप सभी को समझाएँगे, जो कि परीक्षा उपयोगी हैं और बहुत ही ज़्यादा आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्नों का बनना इन टॉपिक से तय होता है, इनसे प्रश्न बनते भी हैं। तो उसी टॉपिक को हम आज यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह से टॉपिक को क्लियर कराया जाए ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से वो टॉपिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा परीक्षा उपयोगी हैं और किस हिसाब से उनसे अगर प्रश्न भी बनेंगे तो कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाए किसी चीज़ का आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य की परिभाषा हम देखते हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा, ठीक है, स्वास्थ्य की परिभाषा। तो यदि स्वास्थ्य की परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले स्वास्थ्य की परिभाषा जो है आचार्य चक्रपाणी ने चरक संहिता को आधार मानकर या चरक संहिता के आधार पर आचार्य चक्रपाणी ने चरक संहिता के आधार पर स्वास्थ्य की परिभाषा दी है, ठीक है। अब स्वास्थ्य की परिभाषा में इन्होंने यह बताया है कि जो व्यक्ति विकार रहित अवस्था में होता है, उसे स्वस्थ कहते हैं। क्या कहा इन्होंने, जो व्यक्ति विकार रहित अवस्था में होता है वह स्वस्थ है। तो एक चीज़ तो ये हो गया कि जो व्यक्ति विकार रहित अवस्था में वह है वह स्वस्थ है, और स्वस्थ मनुष्य के शरीर का भाव ही स्वास्थ्य कहलाता है। एक चीज़ और आप यहाँ पे लिख सकते हो, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का भाव स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक है, स्वास्थ्य कहलाता है। तो चक्रपाणी ने क्या कहा है, अगर आप स्वास्थ्य वृत्त में देखें तो चरक संहिता के अंतर्गत, चरक संहिता को आधार मानकर, उसके विषय बिंदुओं को आधार मान करके आचार्य चक्रपाणी ने इसकी परिभाषा दी है स्वास्थ्य वृत्त की। उन्होंने स्वास्थ्य वृत्त में स्वास्थ्य की परिभाषा के अंतर्गत बताया है कि मनुष्य विकार रहित अवस्था में अति होता है तो उसको हम बोलेंगे स्वस्थ है, और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के भाव को उन्होंने क्या कहा है, स्वास्थ्य कहा है। तो ये हो गई आचार्य चक्रपाणी की बात। यदि हम चरक की बात करते हैं, चक्रपाणी ने स्वस्थ और स्वास्थ्य की परिभाषा इस हिसाब से दिया है। यदि हम चरक की बात करें, आचार्य चरक की, तो चरक का मानना क्या है, चरक कहते हैं कि जिस व्यक्ति की मांस धातु सम प्रमाण में हो, क्या कहते हैं, जिस व्यक्ति की मांस धातु संप्रमाण में हो, धातु संप्रमाण में हो, इसको समझते हैं। मांस धातु संप्रमाण में होने का मतलब क्या है, जो शरीर का मांस है वह संप्रमाण में हो, न ही अधिक हो और न ही कम हो। अब देखिए, अगर मांस अधिक होता है तो उस शरीर को स्थूल कहा जाता है, क्या कहते हैं, स्थूल, और मांस कम होता है तो उस शरीर को हम क्या कहते हैं, कृश, स्थूल और कृश। स्थूल का मतलब मोटा, ठीक है, स्थूल का मतलब मोटा, और कृश का मतलब दुर्बल, पतला या कमज़ोर भी हम कह सकते हैं, पतला या कमज़ोर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जिस व्यक्ति की मांस धातु संप्रमाण में हो, अगर अधिक है, स्थूल है, कम है, कृश है,
तो चरक कहते हैं जिस व्यक्ति की मांस धातु संप्रमाण में हो, जिसकी जिसकी जठराग्नि प्रदीप्त हो। प्रदीप्त होने का मतलब जिसको भूख लगती हो, क्षुधा शरीर में व्याप्त हो, जो विकार रहित हो, अंग प्रत्यंग सही हो, अंग प्रत्यंग क्या हो, सही यदि हैं और वह विकार रहित है, तो ऐसे मनुष्य को चरक भी कहते हैं कि वह स्वस्थ है। इसके अतिरिक्त रोगों का बल जिसे पराजित न कर सके, वह भी चरक के अनुसार स्वस्थ है। कहने का मतलब क्या है, रोगों का बल का मतलब क्या है, अगर किसी को बीमारी हो जाए, उसका शरीर अत्यधिक कमज़ोर न हो, तो उस बीमारी का ज़्यादातर उसके शरीर पे असर न हो, नुकसान न हो, तो चरक कहते हैं कि वह स्वस्थ है। ठीक है, अपने दिमाग में आपको ऐसे ही रखना है इन चीज़ों को, इसी तरीके से। ठीक है, दूसरा चीज़ जो धूप, शीत, वायु, रुच्छता, ये सारी चीज़ें सहने में भी सक्षम हो, सह सके, धूप शीत वायु रुच्छता आदि क्या हो सके, सह सके, आदि सहने में समर्थ हो या सहने में आसक्त हो, तो उसको भी आचार्य चरक कहते हैं कि वह स्वस्थ है। तो धूप शीत वायु, धूप आपको पता ही है, शीत मतलब शीतलता, वायु आपको पता है, रुच्छता का मतलब होता है कठोरता या कठोर। ठीक है, तो अब रुच्छता का मतलब क्या है, अगर हवा में नमी नहीं है, हवा बहुत गर्म है, तो उसको हम कह सकते हैं रुच्छ है, जो शरीर में जा करके कमी लाएगी। तो चरक मानते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर शरीर में हैं तो उस मनुष्य को हम स्वस्थ जो है कह सकते हैं। अब काश्यप की बात करते हैं, आचार्य काश्यप ने भी स्वस्थ मनुष्य के बारे में कुछ चीज़ें कही हैं कि कौन मनुष्य जो है स्वस्थ है। काश्यप, यदि महर्षि काश्यप की बात करें तो काश्यप के भी कुछ कथन निकल के आते हैं, जिसके अंतर्गत ये कहते हैं भोजन की इच्छा, जिसे भोजन की इच्छा हो, खाया हुआ पच जाए, जिसे भोजन की इच्छा हो, खाया हुआ पचे, मलमूत्र व वायु का उचित रूप से त्याग हो, वह क्या है, स्वस्थ है, ऐसा काश्यप का मानना है। काश्यप ये कहते हैं कि जिसको भोजन की इच्छा हो, खाया हुआ जिसके में पच जाए, मलमूत्र आदि उचित रूप से जो त्याग कर सके, तो ऐसे व्यक्ति विशेष को स्वस्थ काश्यप के अनुसार कहा गया है। ठीक है, तो स्वस्थता की परिभाषा के अंतर्गत बस कोई क्वेश्चन आए तो आप चक्रपाणी का समझ लीजिए कि चक्रपाणी ने क्या कहा था, आचार्य चक्रपाणी ने क्या कहा था। तो चक्रपाणी ने बताया कि चरक संहिता को आधार मान के उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति विकार रहित अवस्था में होता है वह स्वस्थ है, और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो भाव है वो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य और स्वस्थ, ये दो चीज़ों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, एक और वर्ड आपको परेशान कर सकता है जिसको कई जगह त्रिसूत्र बताया गया है। क्या बताया गया है, त्रिसूत्र। अब त्रिसूत्र क्या होता है, त्रिसूत्र जिसको हम तीन अंग भी कह सकते हैं, जिसपे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली आधारित है। तीन अंग जिस पर प्राचीन चिकित्सा प्रणाली
प्राचीन चिकित्सा प्रणाली आधारित है। अगर आप त्रिसूत्र देखें तो आप दिमाग में डायरेक्ट यही समझिएगा कि त्रिसूत्र का मतलब यह है कि ऐसे तीन अंग जिस पे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली जो है आधारित है। कौन कौन से तीन अंग हैं? जैसे हेतु लिंग और औषध। हेतु लिंग और औषध। हेतु किसको बोला गया है? रोग कारण को कहा गया है हेतु। लिंग किसको बोला गया है? रोगों के लक्षण को। और औषध, औषधि या चिकित्सा जो है, औषध चिकित्सा जो है, जिसे औषध के रूप में सम्मिलित किया गया है, तो इसे आयुर्वेद में त्रिसूत्र कहा गया है, त्रिसूत्र कह देते हैं। और ऐसे शब्द आपको परेशान न करें तो ये चीज़ आपको जानना होगा कि त्रिसूत्र क्या है। प्राचीन चिकित्सा का आधार है। जब भी त्रिसूत्र आए तो आप बताइएगा त्रिसूत्र क्या है। तीन अंग हैं आयुर्वेद के या प्राचीन चिकित्सा के, तीन अंग आधारित है जिसपे पूरी जो चिकित्सा है वो निर्भर करती है। ठीक है, उसी तरह से एक और शब्द आ जाता है जिसको कहते हैं चतुष्पाद। क्या कहते हैं? चतुष्पाद। ऐसा अगर आ जाए शब्द तो इसको क्या कहेंगे? चतुष्पाद अगर आ जाए तो इस शब्द को हम क्या कहेंगे? तो चतुष्पाद चार चीज़ों पे आधारित है। ये क्या होते हैं? हम इसको कह सकते हैं चार पैर। क्या कह सकते हैं? चार पैर। चिकित्सा के चार आधार, चार मुख्य आधार, चिकित्सा के चार मुख्य आधार को हम चिकित्सा का चतुष्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकित्सा का चतुष्पाद, जिसमें प्रधान अंग जो है वैद्य है। प्रधान अंग कौन है? वैद्य है। दूसरा जो प्रधान अंग है जिसे उपस्थाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपस्थाता। दूसरा जो है जिसे कहा जाता है उपस्थाता। ठीक है, तीसरा जिसको हम कहते हैं रोगी या आतुर। ठीक है, और चौथा औषध। क्या बोला जाता है? औषध। चौथा होगा औषध। ठीक है, तो रोगी हो गया और उसके बाद से हो गया औषध। ठीक है, तीन। अभी देखिए कैसे एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है। वैद्य जो है, वैद्य को हम चिकित्सक भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? चिकित्सक। इसको भीषक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीषक। तो अब अगर चिकित्सा के चतुष्पाद में या चिकित्सक या भीषक हो या वैद्य हो, तो तीनों का मतलब एक ही होता है। उपस्थाता परिचारक हो, परिचारक को ही हम उपस्थाता कह सकते हैं। ठीक है, या उप चिकित्सक भी इसे हम कह सकते हैं। उप चिकित्सक भी हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे वर्ड जो है ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं। आप बस परिचारक और उपस्थाता याद रखिएगा। रोगी को आतुर कह दिया गया है चिकित्सा चतुष्पाद में, रोगी को आतुर कह दिया गया है। और औषध को भेषज कह दिया गया है, औषध को भेषज। ठीक है, तो क्या करना है? चिकित्सा चतुष्पाद जो है, चतुष्पाद जब पूछे तो आप ये कह सकते हो कि चिकित्सा चार चीज़ों पे आधारित है, चार अंगों पे आधारित है, जिसे चिकित्सा का चतुष्पाद कहते हैं। चार अंग जो हैं इस हिसाब से हैं, वैद्य, उपस्थाता, रोगी, औषध। अगर नाम परिवर्तन करके भी आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस हिसाब से आपको बताना है। अब उसी तरह से एक और शब्द का एक्सप्लेनेशन लेते हैं जिसको हम कहते हैं त्रिस्तंभ। क्या कहते हैं? त्रिस्तंभ। इस शब्द को त्रिस्तंभ नाम से भी पूछता है, उसके बाद से त्रिस्थूण भी कहता है, त्रिदंड भी कहता है। इसे हम क्या कह सकते हैं? त्रिस्थूण भी कह सकते हैं और त्रिदंड भी कह सकते हैं।
त्रिदंड भी कह सकते हैं। अब त्रिस्तंभ बोलिए, त्रिदंड बोलिए, त्रिस्थूर्ण बोलिए बोलिए, मतलब एक ही है, मतलब तीन चीज़ों की ओर बता रहा है, जिसमें तीन चीज़ें होती हैं, दोष धातु और मल। क्या होती हैं? दोष धातु, त्रिस्थूर्ण अगर कह रहा है तो दोष वर्ग, दोष वर्ग, धातु वर्ग और मल वर्ग। दोष वर्ग, धातु वर्ग, मल वर्ग, ये तीन चीज़ें हो गई जो इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं। कई जगह पे सत्व, आत्मा और शरीर को त्रिदंड कह दिया गया है। कौन कौन सा? सत्व, आत्मा और शरीर, इसको कई जगहों पे त्रिदंड कह दिया गया है। ये त्रिदंड हैं और ये हैं त्रिस्थूण। तो त्रिस्थूण जिसको हम त्रिस्तंभ के अंतर्गत हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सत्व क्या है? प्रकृति के गुण को हम सत्व कहते हैं। सत्व क्या है? प्रकृति का गुण, प्रकृति के गुण को हम क्या कहते हैं? सत्व कहते हैं। प्रकृति का गुण क्या है? सत्व है, जिसमें शांति, सद्भावना, पवित्रता, संतुलन, ये सारी चीज़ें आती हैं। शांति, सद्भावना, पवित्रता, संतुलन, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे सम्मिलित हैं, प्रकृति के गुण। आत्मा पता ही है और शरीर पता ही है। तो त्रिदंड, त्रिस्थूण, ये त्रिस्तंभ के अंतर्गत आते हैं। तो त्रिस्तंभ जब पूछे तो इसमें अलग अलग शब्द भी दे करके पूछे, तो आप इस हिसाब से त्रिदंड ये हो गए, त्रिस्थूण ये हो गए और त्रिस्तंभ जो है आपको बताया ही गया, जिसके अंतर्गत तीन चीज़ें जो हैं पहले से सम्मिलित की गई हैं, ठीक है। अगला अगर देखें तो त्रिउपस्तंभ, त्रिउपस्तंभ जो है कई बार बताया गया है। त्रिउपस्तंभ में तीन चीज़ें जो एक तरह से हम कह सकते हैं ऊपरी स्तंभ या सहायक स्तंभ भी कहा जा सकता है, जिसमें आते हैं, पहले नंबर पे आता है आहार, दूसरे पे आता है निद्रा और तीसरे पे आता है ब्रह्मचर्य, ठीक है। क्या आता है? ब्रह्मचर्य। तो ये तीन चीज़ें मिल करके बनती हैं त्रिउपस्तंभ। क्या बनती हैं? त्रिउपस्तंभ। और ये जो हैं ये तीनों हमारे शरीर में, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनका युक्तिपूर्ण, युक्तिपूर्ण प्रयोग आरोग्य लाभ पहुंचाता है, आरोग्य लाभ पहुंचाता है, ठीक है। डिटेल क्लास के लिए आप सभी आयुर्भास्कर क्लास पे लॉगिन कर सकते हो, या आयुर्भास्कर क्लास जो है लेने के लिए आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे भी क्लासेस आपकी डिटेल में चलाई जा रही हैं, तो आप क्लासेस परचेज कर सकते हो। एक और है, अगर हम धातु की बात करें, मल की बात करें, तो उसी तरह से एक शरीर मतलब शब्द आता है मल। तो आपके श्वासवृत्त में एक शब्द आता है मल। मल क्या है? जो शरीर को मलिन करता है। मल क्या है? शरीर को, शरीर को जो मलिन करे, शरीर को जो मलिन करे उसे क्या कहते हैं? मल कहते हैं। अब शरीर से जहाँ से भी जो चीज़ निकलती है वह उस पार्ट विशेष का मल होता है। जैसे श्वेद भी एक मल है, पूरिस भी एक मल है, अश्रु भी अगर बोला जाए तो वह भी एक मल है, ठीक है, मूत्र भी एक मल है, ठीक है। तो जिस हिसाब से जो चीज़ें जिस पार्ट विशेष से निकल रही हैं उसे क्या कहा गया है? मल कहा गया है। जैसे अगर कर्ण से बोलें तो कर्णमल, कर्णमल भी कहा गया है। कान से जो मल निकल रहा है कर्णमल बोला गया। चक्षु, नेत्रों से अश्रु जो निकल रहा है ये भी चक्षु के मल हैं। त्वचा से त्वकमल जो बाहर आ रहा है ये भी मल है। तो शरीर को जो मलिन करते हैं उन्हें आयुर्वेद में मल कहा गया है, और इनका जो है समय पे बाहर निकल जाना शरीर की शुद्धि करता है,
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपके आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्य वृत्त में आने वाले हैं, इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे आपके जो क्लासमेट हैं वहाँ तक पहुँचाइए वीडियो में। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।